लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। खबर सांता क्रूज की है, जहां 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हुए हैं। बता दें कि सांता क्रूज पूर्व के नादिया अपार्टमेंट को बीएमसी ने सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, क्योंकि इस अपार्टमेंट से एक कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है जो कि मंत्रालय में कार्यरत है। साथ ही एक स्टोर से भी 2 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। दरअसल हमारे संवाददाता के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक वाकुला पुलिस थाने की हद व शिवसेना शाखा के पास विजय स्टोर ड्राई फ्रूट शॉप में काम करने वाले 3 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी वजह से वहां हाहाकार मचा हुआ है। सूचना पाने के बाद मनपा एच पूर्व वार्ड ने उपरोक्त शॉप को मुंबई पुलिस का बैनर पोस्ट कर सील किया है। हालांकि विजय स्टोर के मालिक को पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए थी और अपने कर्मचारियों की मेडिकल जांच पहले ही करवानी चाहिए थी, ताकि ग्राहक कोरोना से सुरक्षित रहें। लेकिन उपरोक्त स्टोर के मालिक द्वारा ऐसी लापरवाही व गैर जिम्मेदाराना कार्य किया गया है। कई नागरिकों ने उसके शॉप से खरीदारी की है, जिससे उन सब में संक्रमण फैलने का खतरा नजर आ रहा है। बता दें कि हिंद माता मिरर अखबार ने कुछ दिन पूर्व विजय स्टोर के बारे में इसके द्वारा लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने की खबर प्रकाशित की थी और एच पूर्व वार्ड के सहायक आयुक्त खैरनार को शिकायत भी की गई थी। साथ ही मुंबईकरों के हित के लिए ट्विटर पर पोस्ट किया गया था, जिसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये बड़ी लापरवाही स्थानीय प्रशासन की भी है, क्योंकि उनकी गाड़ियां तो सड़क पर अनाउंस करती दौड़ती हैं। एक तरफ तो प्रशासन लॉकडाउन का आदेश देती है और वहीं दूसरी तरफ लापरवाही करती है, क्योंकि पुलिस व मनपा दुकानदारों व व्यापारियों को उनके कर्मचारियों की मेडिकल जांच करने के लिए आदेश नहीं दे रही है, जिससे कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हो जाए व मुंबईकर सावधान रहकर किसी भी दुकान से खरीदारी कर सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ है? अब देखना होगा कि इसी लापरवाही से बचने या ग्राहकों को कोरोना से सुरक्षा के लिए सरकार क्या दिशा निर्देश देती है। अजय शर्मा, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। इस वक्त हम सांता क्रूज नेहरू रोड एयरवी होटल के सामने खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पीछे में जो विजय स्टोर है, ये विजय स्टोर को सील किया गया है। यहाँ पर एक मुंबई पुलिस का बैनर लगाया गया है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर विजय स्टोर में काम करने वाले 3 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से इस विजय स्टोर को सील किया गया है। महानगर पालिका को सूचना मिलते ही महानगर पालिका ने विजय स्टोर को सील किया गया है। हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई। एक हमने आपको हनुमान टेकड़ी के पास नदिया अपार्टमेंट का दृश्य दिखाया, जिसमें वहाँ मुंबई महानगर पालिका का बैनर लगा हुआ है। वहाँ मंत्रालय में काम करने वाले एक व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से उसे वहाँ पर बैनर लगाकर इस बिल्डिंग को सील किया गया है। आप देख रहे हैं, एक तरह दिन ब दिन जो है कोरोना का वायरस, दिन ब दिन लोगों की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा पाई जा रही है। ये विजय स्टोर में अगर उनके मालिक की तरफ से थोड़ा सी अगर सावधानी बरती रहती, अगर पहले मेडिकल चेक कराया होता, तो उनके 3 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक की वजह से ऐसी घटनाएं घट रहे हैं। प्रशासन को उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन फहीम के साथ अजय शर्मा, एचएम न्यूज, मुंबई।